गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में 13.2 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर चुके हो, दो चार क्वेश्चन मैंने समझाए थे, बाकी के आपने खुद से किए हैं। आज बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पहले पढ़ना। क्वेश्चन में लिख रखा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए। आगे लिख रखा है सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि 2πRh। सी एस ए सिलेंडर का होता है 2πRh, गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। फाइंड करना है हमें हाइट, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल सॉल्व दिस। 2 का 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर रेडियस हमें दे रखी है 0.7, तो 0.7 हाइट हमें फाइंड करनी है। एंड सी एस ए कंप्लीट हमें दे रखा है 4.4, तो 4.4 मीटर स्क्वायर हाइट को फाइंड करना। हाइट हम बाहर निकालेंगे और हाइट के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो सारा इधर आके डिवाइड में होता है। तो 4.47 मल्टीप्लाई में 2 × 22 × 0.7 डिवाइड में। जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो एच की वैल्यू आएगी 1 मीटर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, पॉइंट ऊपर आया 0, ऊपर आता है 10। पॉइंट को कैंसिल आउट करते हैं, नीचे आता है 10, 22 से 2 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल। तो हम देखते हैं सब कुछ कैंसिल हो जाता है, और मैथ का नियम है जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है सब, तो हमारे पास बचता है ओनली 1। तो सारा यहाँ कैंसिल हो गया, तो हाइट की वैल्यू आ गई 1 मीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर डीप, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, एंड सेकंड फाइंड करना है हमें द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ने कह रखा है हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2πRh। हमें 3.5 मीटर दे रखा है इनर डायामीटर, ये रहा हमारे पास डायामीटर, और इसका हमें जो हाइट है यानी कि डीपनेस, आप कह दो किसी चीज की डीपनेस कह दो, चाहे ये इसकी हाइट कह दो, एक ही बात है। हाइट में दे रखे 10 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया। इनर यानी कि सी एस ए फाइंड करना है। सी एस ए का फॉर्मूला 2πRh, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, ये डायमीटर है इसलिए 2 से डिवाइड किया, पॉइंट को हटाया, नीचे आया 10, मल्टीप्लाई हाइट हो गया 10, 10 से 10 को कैंसिल आउट किया, 7 को 35 से कैंसिल आउट किया 5, और 2 को 2 से कैंसिल आउट किया, तो 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है 110 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि इनर कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आया 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर पे हमें प्लास्टरिंग करवाने का खर्चा 40 रुपीज आता है, तो हमारे पास टोटल हम प्लास्टरिंग करवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो रुपीज कॉस्ट निकालने के लिए हम एरिया को रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग हमारा हो जाएगा, टोटल एरिया हमारा हो गया 110 और रेट दे रखी है 40, तो 4400 11 4 44 and 00, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आ गई हमारी 4400 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद सेट करने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसके साथ हमारी 13.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम 13.3 है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।